यहाँ पे हम लोग जरा अंदर खुले हुए लोग अंदर जाएंगे, जाके आएंगे तब तक आप लोग शांति से बैठेंगे। धन्यवाद। पहले तो आज का महोत्सव का ही आपको इंचार्ज अभी आप 27 मार्च 2009 को 100 झोपड़पट्टी मात्रे नगर 150 झोपड़पट्टी मात्रे नगर में तोड़ा गया। 70 to 80 लोग जो है उसमें से लीगल है, 95 के पहले के थे और 2000 के पहले, फिर भी उनको तोड़ा गया। उसने गुप्ता राधेश्याम गुप्ता करके बंदा है जिसका वो प्लॉट का मालिक है, वो वहाँ पे इंटरनेशनल दर्जे का स्कूल बनाना चाहता है, उसके कहने पर ये पूरा ऑपरेशन किया गया था। मगर हमारा एक कहना है कि 95 के पहले के उस टाइम पे 95 का पहले का कानून बन गया था 2000 का कोर्ट में, तो 95 के पहले के जितने भी लोग हैं जो इलीगल थे उसके साथ इनको भी तोड़ा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनको बिना नोटिस दिए कैसे तोड़ा। सभी मशीनरी कशी का वापर लेते महानगर पालिके के बुलडोजर्स वगैरह सर्व का आदमी कशी का वापर ले। अभी उसमें कहना ऐसा है जब 70 to 80 लोग लीगल है उनको बिना नोटिस दिए कैसे तो, और उस दौरान कौन ऑफिसर इंचार्ज थे, कौन कौन थे तुम्हे जानना है। अधिकाऱ्यांना माहिती आहे. जे प्लॉटच्या बाहेर जे त्यांना पण तोडायला तोडलं तिथेच फुटपाथवर म्हणजे प्लॉटला लागूनच तिथे आहे, त्याला एक वर्षापासून आहे, अजून त्याला कोणी हात लावला नाही। बरं ते जर केलं तुम्ही असाल तर बरं सगळे मुंबईचे जे फुटपाथवर ते तोडणार की नाही, पब्लिक सर्वंट जर एका नाही केस चालू आहे की नाही आम्हाला विचारायचं, जेवढ्या तोडणार की नाही, आता मुंबईमध्ये जेवढ्या आहेत फुटपाथ होती त्या तोडणार की नाही, बिंग अ पब्लिक सर्वंट तुम्ही तुमच्या पॉवरचा युज केला, मग आता हे करणार की मुंबईतल्या सर्व मुंबईतल्या सर्व आणि किती दिवसात तोडणार, किती दिवसात तोडणार, एक 15-8 दिवस घेतला तर ते दीड वर्ष तुम्ही ही घेतली नाही ऍक्शन घेतली घेतली नाही अरे घेतली ना आत्ताच का घेतली जात काय कारण ऑफिस आहे तिथे बाजूला
राठौर साहब ये कहना है 95 के पहले के थे ये लोग, इनको किस आधार पे तोड़ा? वो सिंपल क्वेश्चन है। छह महीना पहले नहीं, पहले तो प्लॉट के अंदर थे वो लोग, तभी तोड़ा। मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, फुटपाथ पे इलीगल है, मुंबई तोड़ना सगळे, मुंबई कधी तोड़ना? मुंबई सर्व मुंबई ले राठौर साहब, फुटपाथ पे इलीगल है, मैं भी मानता हूँ। मैं तो एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ, प्लॉट के अंदर जो लोग थे वो 95 के पहले थे, वो आपको पता है? हाँ ठीक है, मैं क्या पूछ रहा हूँ, अच्छा आप वो ठीक है सर, वो 95 के पहले का कैसा तोड़ा वो चाहिए, और क्यों तोड़ा? 95 के पहले का भाग गया। हाँ एक मिनट, एक मिनट, डॉक्यूमेंट दो आपके सामने, आप एक एक देखिए, हर एक पे 95 के पहले की वोटर लिस्ट में है नाम, वोटर लिस्ट में नाम है, 95 के पहले इलेक्ट्रिक बिल है, ये है 94 रोड पे अभी पड़ा, ये देखो ना है ना सर, ये किया हुआ है। मैं एक बात बता दूं सिंह सर, उनका कहना है उस दिन जो ये अपने क्या नाम है शर्मा, क्या नाम है वो, राधेश्याम गुप्ता, राधेश्याम गुप्ता जो है उनके कहने पे हुआ था उस दिन, वो बैग भर के पैसा लाया था और बीएमसी ऑफिसर्स को दिया था, और वो जो रोड पे बैठे उनका जो देखा है वो बता रहे, और उसके इंस्ट्रक्शन पे हुआ। इस तरीके का अगर करना है तो उन्होंने कितना स्कूल रिजर्वेशन पीजी प्लॉट है इसमें है, आप मेंटेनेंस के है आप जो बता रहे हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन एक है आपका अगर 95 के पहले का है, हाँ डॉक्यूमेंट सबमिट के लिए मैं इसके बारे में देखता हूँ। नहीं नहीं, एक 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 सब एक एक मिनट सिंह सर, मैंने पूछ के लिया है 95 के पहले का डिमोलिशन किया है, उन्होंने कहा 95 के पहले का डिमोलिशन नहीं हुआ है, जो अनुप्राइज थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट साइट पे नहीं बताए वो डिमोलिश किया। नहीं एक मिनट, एक मिनट, अब जो फुटपाथ के ऊपर जो आए हैं वो बाद में जो शिफ्ट हुए जो डिमोलिशन होने के बाद वो अलाउड नहीं है, वो इलीगल है, इसलिए होती है वो माननीय है, वो उसका बात नहीं है। आप मेरे को सिंह सब इतना बताइए, ये ऑफिसर है क्या जो कह रहा है 95 के पहले नहीं है? मैंने इन्क्वायरी किया है, वो साहब आम्ही सर्व खोट बोलू, आमचं तोंड खोट बोलू, पण एक ऐकून तर घ्या, मला तुम्हाला ऐकून तर घ्या, पण हे सरकारी दस्तावेज सरकारी दस्तावेज आहे हे तरी करायचं की नाही? आता बघा वुमन राईट कोण तुमच्याकडे, कोण तुम्ही अधिकारी आहेत का? बिल्डिंग डिपार्टमेंटला कोण आहे? बिल्डिंग डिपार्टमेंटला एक मिनिट, अभि सब मात्र सब आप ही रुकते, सिंपल क्वेश्चन, 95 के पहले का अगर हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं आप क्या एक्शन लेंगे? आप डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे एक्चुअली मैटर में क्या है, हाँ एक मिनट, अगर निकले एक सर ठीक है, ठीक है मान्य करते हैं, हम जो कुछ बोलेंगे मतलब ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ सिंह सर, मैं ये जानना चाहता हूँ 95 के पहले के है सपोज, चलो आप तो क्या बोले एक्शन होना तुम्हारे तोड़ लिया एफेक्टेड पर्सन, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन उस स्कीम के अंदर उनको घर दिया जाएगा? 95 दे सकते हैं, अच्छा इसका ये एक मिनट, ये आप रिकमेंडेशन किसको भेजेंगे? उधर पे, उधर से वो किधर माडा में जाते, माडा में के SRM में स्कीम उधर कुछ नहीं बन सकता, बिकॉज वो स्कूल रिजर्वेशन प्लॉट था, अगर एक प्लॉट होता और कोई SRA कर रहा है तो फिर उनको मिलता था अंडर SR, यहाँ पे स्कूल रिजर्वेशन है, उसको उस बंदे को स्कूल चालू करना था, हमारा एक स्टेट डिपार्टमेंट है उसको हम लोग स्टेट डिपार्टमेंट आके फाइनल करता है ये 95 के पहले का है तो वो उसको देना चाहिए या कहाँ देना चाहिए। ठीक है आप इतना मान्य करते हैं 95 के पहले का है तो उसको घर मिलना चाहिए, अच्छा अभी हमको एक ऑफिसर बताओ जिसके पास हम हमारा पेपर सबमिट करेंगे और उनसे हम लोग को डेली जब तक ये मामला नहीं सुलझता एक दो दिन तीन दिन वो हमारे लिए एक्सक्लूसिव बैठने दो,
जब तक हम लोग 70 लोगों का डॉक्यूमेंट जिसके पास जमा करेंगे और वो आदमी रिस्पॉन्सिबल रहेगा इस चीज को, ना ऑफिसर आप दे रहे हैं मुझे दे रहे ऑफिसर ये है कि